नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल। और बड़ी खबर आपको बता दे, और ये आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की जो रिपोर्टिंग होने वाली है, वो है ग्रेच्युटी और सेवरेंस अमाउंट से रिलेटेड, जो GDS को मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, यानी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ये। तो आपको बता दें, कमलेश चंद्र जी ने जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया था, दोनों सेवरेंस अमाउंट हो चाहे ग्रेच्युटी हो, लेकिन अभी तक इसका फ़ायदा सभी को नहीं मिला है। आधे पैसे दे दिए गए हैं और आधे पैसे अभी भी बाकी है। किसी को 60,000 मिले, किसी को अलग अलग अमाउंट मिले और अलग अलग अमाउंट बाकी है। अगर पर्टिकुलरली सर्कल की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान और ऐसे कई सारे सर्कल है जहाँ पे अभी तक अमाउंट पूरे टोटल दिए नहीं गए हैं और रीज़न भी नहीं बताया गया है। और इसीलिए कहा गया है कि सारे अमाउंट जो है सेवरेंस अमाउंट और ग्रेचुटी दोनों दे देनी चाहिए। और काफ़ी लेट हो चुका है, 1.5 साल से ऊपर यहाँ पे ऑर्डर आने के बाद के 1.5 साल बीत चुके हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितना अमाउंट बाकी है और कितना अमाउंट मिल गया है। सभी को फिक्स्ड अमाउंट अभी तक नहीं मिला है, कोई बोल रहा है आधा, किसी को कम मिला है। तो जल्द से जल्द ये कार्यवाही ख़त्म की जाए और ये लेटर PK बिश्नोई जी को, सेक्रेटरी जी को लिखा है ताकि कार्यवाही जल्दी से जल्दी हो। तो इसको सभी तक फैला दीजिए, सभी तक बता दीजिए। अगर किसी को भी नहीं मिला है अमाउंट और अगर उनको पता नहीं है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उनको इस चैनल के बारे में बताएं, यहाँ से सारी अपडेट्स उनको मिलेंगी। और आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद।